नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मोड की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 के 23वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया है और इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है और दोस्तों सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत किया है इस टीम ने। तो वहीं इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रन बनाए थे दोस्तों, और इसके जवाब में बांग्लादेश ने 233 रन ही बनाए और 149 रन से मैच हार गया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया कैसे। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 49 रन से हराया, जिसमें दोस्तों इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की चौथी जीत है और इस मैच में जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 382 रन बनाए थे और इसके जवाब में बांग्लादेश टीम 46.4 ओवर में 233 रन ही बना पाई। और इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के लिए महमूदुल्ला रियाद ने 111 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी टीम के काम नहीं आ सकी। डिकॉक ने 174 रन और हेनरी क्लासिक ने 90 रन बनाए। तो वहीं दोस्तों कप्तान मार्करम ने 60 रन का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों मैच में क्या हुआ, जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब हो रही थी तो रिच हेंड्रिक्स ने 12 रन और रसी वांड डुसेन ने 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद दोस्तों हेंड्रिक्स को सूर्यफुल और डुसेन के मिराज ने आउट किया। वहीं दोस्तों इसके बाद क्विंटन डिकॉक ने कप्तान एडन मार्करम को तीसरे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी निभाई और डिकॉक ने वनडे करियर का 20वां और इस विश्व कप का 3रा शतक लगाया। वहीं दोस्तों मार्करम ने वनडे करियर का 9वां अर्धशतक लगाया और इस साझेदारी को साकिब अल हसन ने तोड़ दिया। इसके बाद मार्करम 69 गेंदों में 7 चौके की मदद से 60 रन बनाकर आउट हो गए और डिकॉक ने अपने 150वें वनडे में 40 गेंदों में 15 चौके और 7 छक्के की मदद से 174 रन की पारी खेली। और दोस्तों इस विश्व कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 163 रन की पारी खेली थी। इसके बाद दोस्तों हेनरी क्लासन ने 34 गेंदों में ये अर्धशतक पूरा किया और क्लासन और डिकॉक के बीच 141 रन की साझेदारी हुई, जहां पर क्लासन 49 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्के की मदद से 90 रन की पारी खेली और डेविड मिलर 15 गेंदों में 1 चौका और 4 छक्के की मदद से 34 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं दोस्तों मार्को यानसन 1 रन बनाकर नाबाद रहे। ये रही क्रिकेट मोड की तरफ से एक और हाईलाइट मैच वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मोड के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।